अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 3 4 5, मैट्रिक्स बी इक्वल है 4 7 6 5, मैट्रिक्स सी 2 6 3 -2, ठीक है, देन प्रूव दैट। तो पार्ट 1 है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और पार्ट 2 ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी और इक्वल टू है ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, तो इनको हमने इक्वल साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 1, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 3 4 5, मैट्रिक्स बी है 4 7 6 5, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ठीक है, 1 प्लस 4, 4 प्लस 6 है, 3 प्लस 7, 5 प्लस 5, 1 प्लस 4 5, 4 और 6 10 हो गए, 3 और 7 10, 5 और 5 10, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आर एच एस, बी प्लस ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी क्या है 4 7 6 5, मैट्रिक्स ए 1 3 4 5, इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 7 प्लus 3 6 प्लस 4 5 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 1 5, ये 7 और 3 10 हो गया, 6 और 4 10, 5 और 5 10, आर एच एस। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड क्या है 5 10 10 10, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 10 10 10, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस कौन सी है, ये वाली ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है 1 3 4 5 प्लस ब्रैकेट मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स बी क्या है 4 7 6 5, मैट्रिक्स सी 2 6 3 -2, ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया,
प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2 7 प्लस 6 6 प्लस 3 5 प्लस -2 ये वैसे ही आ गया 1 3 4 5 प्लस 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 7 प्लस 6 13 5 प्लस -2 इसको साइड पे सॉल्व करेंगे 5 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 2 5 -2 3 तो ये आ गया 3। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 6 4 प्लस 9 3 प्लस 13 5 प्लस 3 1 प्लस 6 7 4 प्लस 9 13 3 प्लस 13 16 5 प्लस 3 8 तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ब्रैकेट मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स ए 1 3 4 5 मैट्रिक्स बी 4 7 6 5 मैट्रिक्स सी 2 6 3 -2 तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स है इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 4 4 प्लस 6 3 प्लस 7 5 प्लस 5 प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया 2 6 3 -2 1 प्लस 4 5 4 प्लस 6 10 3 प्लस 7 10 5 प्लस 5 10 2 6 3 -2 दोनों को ऐड कर लेंगे 5 प्लस 2 10 प्लस 3 ये भी 10 और 6 10 और -9 5 और 2 7 10 और 3 13 10 और 6 16 इसको ऐड कर लेंगे, इसको साइड पे सॉल्व करेंगे 10 प्लस -2 10 में से 2 8 तो ये आ गया 8। ये क्या है, राइट हैंड साइड 7 16 13 8 7 16 13 8 तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।